को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज का वीडियो दस महाविद्या में मां भगवती त्रिपुरा का कामराज बीज पर है इस एकाक्षरी मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का वशीकरण प्रयोग करने का जरूरत नहीं होता है शंकराचार्य जी ने जो तंत्र बताया उसमें ये कामराज बीज आता है ठीक है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि पूजा कैसे होगा कामराज बीज का दो तरीके से साधनाएं होती हैं पूजा होता है जैसे एक अगर आप घर में मूर्ति रखते हैं देवता की या तस्वीर रखते हैं तो पंचोपचार पूजन किया जाता है ठीक है उसमें देवता को चंदन लगाते हैं पुष्प चढ़ाते हैं धूप दिखाते हैं दीपक दिखाते हैं आरती करते हैं और नैवेद चढ़ाते हैं ये पंचोपकार पूजन कहा जाता है एक और विधान है देव पूजन का जिसको कहते हैं सोड़सो उपचार ठीक है उसमें देवता का हर बार आवाहन होता है तो जब आप त्रिपुरा की साधना करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो ध्यान रखने की चीज़ है कि आपको रक्त वर्ण यानी लाल वस्त्र पहन के हमेशा रहना है जब तक पूर्ण मंत्र विधान पूरा ना हो जाए ठीक है हर चीज जो आप प्रयोग करेंगे उसका रंग लाल होना चाहिए पूरे साधना के दौरान मौन व्रत का पालन करना होता है धरती पर शयन होता है ठीक है और अल्पा आहार और शुद्ध आहार करना होता है ठीक है जो एकाक्षरी मंत्र है उसका एक लाख जाप होता है और दस हज़ार उसका हवन होता है ठीक है देखो जो इस साधना को कर पाएगा है तो बहुत आसान साधना एकाक्षरी है ठीक है पूजन विधि मैं आपको बता दूंगा वो जो व्यक्ति होगा जब आप वशीकरण करते हैं तो पहले भी मैंने बोला है अगर आप लोग ये सोचते हैं कि वशीकरण का मतलब हिप्नोसिस हो जाएगा तो वैसा नहीं होता है वशीकरण का मतलब होता है कि आपके सामने चाहे वो मनुष्य हो सुर हो असुर हो सिद्ध हो यक्ष हो गंधर्व हो नाग हो ये सब जो है आपके सामने नतमस्तक रहेंगे मतलब तो आपका विरोध नहीं कर पाएंगे ठीक है तो कैसे करना है इसका पूजा एक तो बता दिया कि शयन पृथ्वी पर अल्प आहार मौन व्रत तीन इसके नियम हैं ठीक है उसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो एक लाल पुष्प लेकर के देवी का आवाहन करेंगे ठीक है कैसे करते हैं तो बहुत आसान है जैसे कि अगर हम त्रिपुरा के कर रहे हैं तो ओम भगवती त्रिपुराय नमः ऐसा बोल करके एक पुष्प अर्पित करेंगे उसी को हम भगवती मान करके फिर उस पुष्प पर हम चंदन अक्षत तुलसी और एक और पुष्प चढ़ाकर प्रणाम कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा भगवती का आगमन दूसरा जो हम करेंगे वो होगा उनको आसन देना तो आसन कैसे किया जाता है कि एक और पुष्प रख के अपनी भाषा में जरूरी नहीं कि हर चीज में आप संस्कृत का उपयोग करो अगर संस्कृत का उपयोग करना है तो वो मंत्र विधान अलग से मैंने दिया है कि भगवती की पूजा कैसे करें वो आसन रख वो पुष्प रख के भगवती को आप आसन के लिए निमंत्रण दीजिए ठीक है उसके बाद जल लीजिए और उस पुष्प पर चढ़ाइए और वो पाद्य होगा मतलब देवी के पैर पे आप जल दे रहे हैं चौथा जो आप करेंगे उसमें आचमनी चढ़ाया जाता है भगवती को तो जल में चंदन अक्षत और पुष्प डाल करके उस पुष्प पर चढ़ाया जो पहला आपने स्थापना किया है उसके बाद पांचवा में आचमनी देते हैं आचमनी का क्या मतलब है कि जल और कवरपुर को मिला करके हम उस पुष्प पे चढ़ाएंगे तो आचमनी हो गया और छठा उपचार जो है क्योंकि उस वो होता है स्नान उसमें गंगा जल भगवती पे चढ़ाया जाता है तो इस तरीके से छह उपचार हमने कर लिया सातवा में उनको एक वस्त्र अर्पित करेंगे ठीक है उसके बाद उपवस्त्र मतलब अगर कुछ आप गहना चढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप चढ़ा सकते हैं उसके बाद जो पंच पूजा में करते हैं वो सारी विधि करेंगे मतलब धूप दीप नवेद आरती गंध इतना आप करेंगे ठीक है उसके बाद ध्यान करके नमस्कार करेंगे अपने स्थान पर या फिर उस चौकी के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे और अंत में मंत्र पुष्पांजलि देंगे देखो हर चीज़ में बहुत टेक्निकल आप लोगों को नहीं होना है कि एकदम सही मंत्र से करेंगे सही विधान से करेंगे मंत्र करने के चक्कर में ज़्यादा त्रुटि होती है तो आप जिस भी भाषा में निवेदन करेंगे वो भगव भगवान को मान्य होता है ठीक है इतना कर लिया उसके बाद एक सिक्का लेंगे हाथ में जल लेंगे अगर पान है तो पान और थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवती को निवेदन करेंगे कि मेरा नाम अमुक है मेरा ये गोत्र है इस स्थान पर निवास करता हूँ और आपके कामराज बीज का एक लाख जाप और हवन करूँगा ऐसा मैं संकल्प करता हूँ ठीक है अब सुनो कामराज बीज क्या होता है कामराज बीज एक शब्द है इसको ध्यान से सुनना ह स क ल हस हसकल हृम ह स क ह्रिम ये है कामराज मंत्र हसकल ह्रिम ये एक शब्द है इसको तोड़ के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो ह ल ह्रिम ठीक है इस मंत्र का एक लाख जाप करना जिस भी दिन शुरू करोगे पूर्णिमा से शुरू करना सबसे उत्तम रहता है इससे भी उत्तम होता है कि अगर आप इसको नवरात्र में करें चाहे तो जो दो गुप्त नवरात्र है या फिर जो जाना माना नवरात्र है वो दो नवरात्र में अगर आप इसका जाप करते हैं तो बहुत बढ़िया है जो जिस दिन से आप शुरू करेंगे और जिस दिन आप खत्म करेंगे आपको लाल वस्त्र ही पहनना है और आपको जमीन पर ही शयन करना है ठीक है आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप सात्विक भोजन करेंगे ठीक है और हमेशा भगवती ध्यान में रहेंगे एक बार जब एक लाख आप मंत्र कर लेते हैं उसके बाद इसका आपको दशांश हवन करना है ठीक है दशांश हवन का इसका एक अलग विधान है दशांश हवन इसका हवन सामग्री से नहीं होती है बल्कि करवीर जो होता है एक पेड़ होता है करवीर उसका जो पुष्प होता है उससे इसका जाप और हवन होगा तो करवीर का पेड़ बहुत आसानी से मिल जाता है गुच्छे में उसके फूल होते हैं तो वो फूल मंगा करके एक बार में आप पूरा दस हज़ार नहीं कर सकते हैं तो उसको पाँच सौ पाँच सौ करके आप उसको इक्कीस दिन में कर ले या दो महीने में कर ले। लेकिन जाप करने के साथ ही आपको इसका शक्ति और प्रभाव मिलने लगेगा और जब एक बार आप हवन कर लेंगे तो फिर पूर्ण प्रभाव आएगा अब ये मत सोचिएगा कि इससे आप अमुक को वशीकरण कर लेंगे या फिर कुछ किसी से काम निकलवा लेंगे आपका ये वशीकरण की शक्ति बढ़ाता है आपका ये अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है तो इसको ऐसे ही आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नया वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट से डॉट कॉम कॉलमी फॉर ऐप पर भी आप मुझे बात कर सकते हैं कॉलमी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर से उसमें रुद्रनाथ एच सी एम फोर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवती त्रिपुरा आप लोगों को खूबसूरत बनाए सुंदर बनाए अट्रैक्टिव बनाए ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलाखा आदेश